डैम प्रूफ मारने से पहले हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आज हम बताएंगे छत में डैम प्रूफ मारने के लिए छत को किस तरह का होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए छत और कैसे उसमें काम करना चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं छत में डैम प्रूफ मारने के लिए सबसे पहले छत में क्या क्या ध्यान देना पड़ रहा है कि छत कैसा है, तो चलिए दिखाते हैं पहले आपको। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा छत है और ये छत में हम मारेंगे डैम प्रूफ। तो दोस्तों डैम प्रूफ मारने से पहले हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये आपका सीमेंट ऊपर लगा हुआ है, तो इसे आपको उखाड़ लेना है पत्ती से। और इस तरह का अगर आपको दिखे तो ये देख सकते हैं पूरा छत में फटा फटा आपका दिख रहा है, तो इसे पहले अच्छा से हम लोग पत्ती से निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें डैम प्रूफ चढ़ाएंगे। तो डैम प्रूफ चढ़ाने से पहले आपको ये सब का ध्यान रख लेना चाहिए कि ये सब ऐसा फटा फटा आपका सीमेंट ना आए, और ये आएगा तो इसमें पानी जमेगा, फिर से वैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको इस तरह से अच्छा से साफ़ कर लेना चाहिए, उसके बाद काम को करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, ये जानकारी पसंद आया हो तो शेयर कर दे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।